What's up guys, welcome back to another reaction video from the channel BBQ Wines Productions. और वीडियो का टाइटल बहुत बढ़िया होली से रिलेटेड है, होली आने वाली है अभी। टीटू मामा के बचपन की होली। टीटू मामा के बचपन की होली, देखते हैं क्या देखने को मिलता है। पहली बात तो वीडियो कर दो यार फटाफट से लाइक, ताकि और लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लेट्स एंजॉय द वीडियो। देखते हैं क्या कुछ टीटू मामा ने गड़बड़ करी है होली के ऊपर। रेडी सेट एंड गो। थोड़ी ना बैठेंगे फाट लोग, नहीं तो घास तो काटनी पड़ेगी। होली पार्टी के लिए गार्डन मांग रहे हैं, अब कमर तक घास होगी तो घास फूतड़ में नहीं घुसेगी। बहुत टाइम हो गया होली खेले में। पॉइंट टू मिनट थे तो एक रात पहले बाल्टी में इतने सारे गुब्बारे भर के रखते थे, फिर सुबह होते ही आने जाने वाले पे गुब्बारे मार देते। तुमने खेलता था गुब्बारों के साथ? एक सेकंड, अभी तीन दिन पहले ही खेल रहा था। होली के गुब्बारे नहीं, आप घास काटिए हूतिया मत काटिए। ये मामा मांगे इंसानों से गलती हो जाती है। मामा आप बहुत सही टाइम पे आए हो। क्यों, किसको बच्चा करना है? अरे नहीं, ये हमारा भाई इस साल होली पार्टी करवा रहा है, बहुत छोटी सी। शाबाश शाबाश। परसों होली है ना, तो मैं 50-60 लोगों की गैदरिंग करवा रहा हूँ। डीजे और केटरिंग वाले से बात होनी बाकी है, लेकिन गार्डन बुक हो गया, उसकी घास कटनी बाकी है। पिचकारियां मैं ले आऊंगा, मैं टेंट वाले को बोलता हूँ। मामा क्या हुआ? तुम लोगों को देख के मुझे अपने पिताजी याद आ गए। पिताजी? फिर हम तो जिंदा है। वो कहते थे कि बेटा जो काम करो उसके अंदर डूब जाओ। नाना जी भी मेहनती थे, शराबी थे, पूरा दिन शराब में डूबे रहते थे। लेकिन मुझे अपने बचपन के होली के दिन याद आ गए। सारी पिचकारी, सारे गुब्बारे माताजी और पिताजी लेके आते थे। मुझे जल्दी सुला के पिताजी रात भर अपनी पिचकारी घिसते रहते थे। कह रहे क्या बात हो रही है यहाँ पर। एक दिन पिचकारी लीक होने लगी तो माताजी ने पिताजी से बोला, लाओ मुझे घिसने दो, तुम गुब्बारे संभालो। पूरी रात माताजी ने मेरे पिताजी की पिचकारी घिसी और पिताजी गुब्बारे देखते रहे। ये भी सॉन्ग पे देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बात हो रही है यहाँ पर। टॉपिक चेंज, टॉपिक अच्छा। टेंट वाले को फोन करियो जरा। हेलो, टॉपिक चेंज। खुला आसमान टेंट, परसों होली आ रही है ना, तो मैं 50-60 लोगों की गैदरिंग करवा रहा हूँ। क्या 8,000 का टेंट? भैया मनीष मल्होत्रा के लहंगे लटकाते हो क्या? ये कोई मार्केट रेट नहीं है, मैं एक और दुकानदार के सामने खड़ा हूँ, वो मुझे 2,000 रुपए में दे रहा है। झूठ नहीं बोल रहा, खुद बात कर लो। हेलो सोनू, वो टेंट बढ़िया से लगा दियो मुंडे ने टकले के घर। हाँ जी भैया। हाँ जी बोलो। बड़ा सस्ता माल दे रहे हो। भाई साहब टेंट 2,000 में नहीं दे रहा, टेंट तो 500 रुपए का दे रहा हूँ, लेबर 1,500 की है। इतनी महंगी लेबर? लेबर इसलिए महंगी है क्योंकि उनके हाथ नहीं है। हाथ नहीं है? अरे क्या झूठ बोल रहे हो। पता कर लो मार्केट में शाहजहां टेंट वाले के बारे में, A1 काम है। लो भाई। हेलो, मैं आपको डिटेल्स व्हाट्सएप कर देता हूँ। हाथापाई करते बैठोगे तो बैठनी सी बात है, गुल्लू कब काम आएगा? दिस मैन इज राहुल द्रविड़ ऑफ जुगाड़, डिपेंडेबल। हाँ गुल्लू, हैप्पी एनिवर्सरी। अरे थैंक यू। गुल्लू अंकल की एनिवर्सरी है? नो, कोरोना की ठीक 1 साल पहले हमारे बिजनेस पे ताले और लौड़े दोनों लग गए थे। हाँ गुल्लू, वो भांजे का दोस्त नहीं है? अरे वो जो अपने हाथ से खुश रहता है। हाँ वही। हाँ तो वो परसों होली के लिए कोई इवेंट करवा रहा है, तो उसके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करना था, तू बात कर ले एक बार। हाँ ये ले। हाँ जी, वो परसों होली आ रही है ना, तो मैं 50-60 लोगों की गैदरिंग करवा रहा हूँ, तो डीजे और केटरिंग वाले से बात होनी बाकी है अभी। हम मामा यहाँ आ गए हैं तो होपफुली ये मेरा पहला इवेंट है, सक्सेसफुल हो जाएगा और आने वाले कुछ टाइम में और इवेंट कराते रहूंगा मैच, है ना। झुरझुरी से छूट रही है मामा, है ना। आप भी यहाँ होते तो बड़ा अच्छा लगता दिल को। हाँ एक सेकंड मामा बात करना चाह रही। हाँ गुल्लू। हाँ यार बहुत बोलता है चूतिया। हाँ जी, एक बीट रूट एंड ब्लैकबेरी क्यूट सेल में दे देना। सब काट दे, एक पनीर भुर्जी रखते हैं। अरे इंग्लैंड की रानी नहीं होगी वहाँ, शर्मा और कनौजिया के बच्चे होंगे। तू एक भिंडी भी रख, क्या पिएगा? अब तो सरकार ने लीगल ड्रिंकिंग एज भी गिरा दी है। बियर, ये फ्रूट बियर कितनी हो रही है। दारू, फ्रूट बियर, माउंटेन ड्यू। ओके सी यू।
मामा जी होली में थोड़ी तो शराब होनी चाहिए। बेटा भांग घोसड़ा मत कर, ढंग से होली खेल ले। कितना ज्ञान है बेटा, मैंने लाइफ में बस दो चीजें छोड़ी हैं, दूसरे नंबर पे ज्ञान है। अब बचता है एंटरटेनमेंट। किसको बुलाएं? तुम लोगों को डेविड गेटा पसंद है? डेविड गेटा को कौन नहीं जानता। नहीं हाँ हाँ राजा, डेविड गेटा उसका एक बहुत बड़ा फैन है, डीजे मेहता, मेरे घर के बगल में रहता है, समा मानने का क्या फैन है। ऐसे कैसे किसी को भी बुला ले? अरे तुमने उसका वो सुपर हिट गाना नहीं सुना? कौन सा सुपर हिट गाना? हनीमून पे ले गए जर्मनी, हनीमून पे ले गए जर्मनी, जर्मनी जर्मनी, हमारे सजना को पसंद मिशनरी, तुम तो बोलो हमारे सजना को पसंद मिशनरी, अरे भैया हमारे सजना को पसंद मिशनरी। हनीमून के लिए गए फिर स्विट्जरलैंड, हनीमून के लिए गए फिर स्विट्जरलैंड, वहाँ भी काम आया खुद का हैंड, वहाँ भी काम आया खुद का हैंड, वहाँ भी काम आया खुद का हैंड। वो भी लगे हुए ऐसा गाना है मामा? बेटा ये तो कुछ भी नहीं है, नया गाना निकाला उसने, वॉल्यूम, टीवी की वॉल्यूम कर दो बंद, टीवी की वॉल्यूम कर दो बंद, स्टंप के पीछे है ऋषभ पंत। समझ गया, इसी को बुला लेते हैं। लेकिन मामा जी आपके पास हर बात का फल्यूफन कैसे है? जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव दिखेगा, आगे देखोगे तो आशा है। थ्रीसम की यही परिभाषा है। थ्रीसम क्या होता है? जीजा जी, थ्रीसम मतलब तीतर के तो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, सब एक दूसरे के भीतर। क्या ये? यार बॉम्बे जाना था मुझे अगले हफ्ते। क्यों डिवाइन ले जा रहा है अपनी माँ से मिलवाने? अरे नहीं वो ऑफिस की कोई मीटिंग है, लेकिन अब जाना मुश्किल है वो कोरोना की वजह से। तो कोई बात नहीं पापा, इस बार साथ में होली मनाते हैं ना। अरे हाँ, ये लोग पार्टी करवा रहे हमारे लिए छोटी सी 50-60 लोगों की। मामा जी अच्छा बेटा, जीजा जी ये अकेला पार्टी करवा रहा है, ये दोनों मदद कर रहे हैं। अरे वाह, नहीं नहीं पार्टी मैं करवा रहा हूँ, लेकिन आप सब लोगों के लिए नहीं। मतलब रिया ने पिछले हफ्ते बोला था कि उसको अपनी फैमिली के साथ एक होली की धमाकेदार पार्टी करनी है। कौन रिया? इसकी दोस्त जो पिछले हफ्ते ही दोस्त बनी है। तो मैंने बोला मैं करा दूंगा। हम लोग इनवाइटेड हैं या ट्यूशन के दोस्तों की तरह कोई इज्जत नहीं हमारी? अगर मैंने अरेंज करवा दी तो मैं जो रिया की नजरों में मैं हीरो बन जाऊंगा, और फिर उसके साथ मुझे मौका मिलेगा। तू अपने भाई का घर बसता हुआ नहीं देखना चाहता मैं? रिया सब अरेंजमेंट्स हो गए बंशुरदास? हाँ सब हो गया है ऑलमोस्ट। सुनो ना, विशाल मुझे कल से टेक्स्ट कर रहा है दैट ही इज सॉरी फॉर एवरीथिंग। विशाल कौन, तुम्हारा वो एक्स? तो मैं सोच रही हूँ उसी के साथ कपल एंट्री कर लूँ फाड़ी में। खत्म, टाटा बाय बाय। फिर कट गया। हेलो रिया। Yeah, this is Inspector T2 from Safdarjung Thana. इसके पिछवाड़े पे दो डंडे मार दिए हैं, शाम को आप भी आ जाना। Excuse me? आप होली पार्टी करवा रहे हो ना, मैंने सुना। कितने लोग आ रहे हैं? 61st कौन है? कोरोना देश में फिर फैल रहा है ना, अखबार पढ़ते हो या सिर्फ रील चल रहे आजकल? हेलो हेलो, सॉरी भाई, सॉरी मामा। है बेटा, मोहब्बत की वजह से जो यारों को ठुकरा दे वो लैटरिन में फिसल के मरते हैं। तो अब क्या करना है होली पे? गुजिया खाएंगे और क्या। तुम लोग खा लो, मेरे तो पेट में गड़बड़ है। पेट में गड़बड़ हो तो सोडा लेने का, फूट में गड़बड़ हो तो लड़ा ले। क्या उसी वक्त समीर, तो भैया समीर फायरी आदमी है। ये वाला पार्ट हमने देखा हुआ ना, बहुत पहले देखा, शायद से काफी पहले देखा था, बहुत पहले। लेकिन ये कितनी बार वीडियो पहले होता बीबी कंसी, मुझे खाली वो गाना वाला याद था। और यार गाना वाला याद था ना, हमने गाना वाला। और इसमें जो समीर कलाकार ना, जहां पर भी कुछ फिल इन द ब्लैंक टाइप डायलॉग होता है ना, तैयार रहता है कि अपन बोले, लेवल ही अलग रहता है। और स्कूटी वाले डायलॉग, स्कूटी साले रोड पे बैठे, ट्रैफिक की दिक्कत है, ढंग से खड़े के उसको गाली मांगती समीर ने कहा मेरी है। कोई नहीं बेटा, इंसानों से गलती होती है। एक चीज समझ लो, लौंडे के पीछे दोस्तों को छोड़ दे वो लैटरिन में फिसल के मरते हैं, डायलॉग बढ़िया था वो। और साथ ही साथ जो गाना गाया टीटू मामा ने, पीछे उसके पापा भी लगे हुए वहाँ पर, लगे हुए मौज में। और एक वो अच्छा था, मुझे मीटिंग के लिए मुंबई जाना है, क्यों डिवाइन मम्मी से मिलवा रहा है। और जैसे वो कह रहा ना, साले टेंट बुक कर ना, घास पूछ तो कटवा दियो वहाँ पर, नहीं तो वहाँ पर समझ रहे हो घास लहराते हुए। और कहता तुम पार्टी के लिए बुक कर दो, टी के लिए बुक कर दो। लेकिन वो डायलॉग बड़े था कि साले 8 दिन का टेंट है, मनीष मल्होत्रा का कपड़े लटका हो गया, तुम कैसे आदमी हो यार, शर्म नाम की चीज। कहता टेंट तो मैं 500 में दे रहा हूँ, लेबर 1500 की है, लेबर में उसके हाथ नहीं है ना, शाहजहां नाम से रखा, शाहजहां ने हाथ कटवा दिए थे ताजमहल बनवा के।
बड़े मजा आती है। एंड गाइस हैप्पी होली एडवांस में सबको, और उस दिन भी विश करेंगे यार, लेकिन एडवांस भी एडवांस चलना चाहिए। आजकल लड़कियां जब एक एक हफ्ते पहले बर्थडे मनाती है, एक महीने पहले से बर्थडे का मंथ मनाती है, बर्थडे मंथ होली मंथ तो है ही, होली आने वाली है बस अब। तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।